अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान स्पेशल में आज की हमारी रेसिपी है दही बड़े। तो आज मैं आपको दो तरीके से दही बड़े बनाना सिखाऊंगी, एक हरे मसाले के, दूसरे साबुत मिर्चों के। तो सबसे पहले मैं आपको हरे मसाले का सामान बता देती हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। थोड़े से हमने जो है वो अपना हरा धनिया ले लिया, दो तीन पत्ते हमने जो है वो पुदीने के ले लिए, तीन हमने मोटी वाली मिर्चें ले ली। अगर आपके पास पतली वाली हो तो आप जो है वो दो भी ले सकते हैं। दो जो है वो हमने लहसुन के चले। दही मैंने एक पाव ले लिया, थोड़ा सा हमने जो है जीरा ले लिया और नमक ले लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर कर देती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने चीज़ें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने जो है इसका अच्छे से बैटर तैयार कर लिया है, ये देखें। अब हम इसको दही में ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है, अगर आप पकोड़े बनाने के बाद जो है अगर आप इसके अंदर डालेंगे दही के अंदर, तो हमें इसको थोड़ा सा हमें पतला रखना है, वरना जो है अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो इसको हमें गाढ़ा रखना है। मैं इसके अंदर जो है इसी के अंदर डालूँगी पकौड़े, तो मैं इसको थोड़ा पतला रखूँगी। इतना पतला होना चाहिए, हमारी दही बिल्कुल तैयार हो गई। इसको साइड में कर देंगे। हरे मसाले के हमने बना के जो है वो हमने साइड में कर दिए। अब हम जो है वो साबुत मिर्चों के बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पाव दही ले लिया है, पाँच से छः जो है हमने साबुत मिर्चें लेनी है, थोड़ा सा हमने जीरा लिया है, थोड़ा सा हमने नमक लिया है और तीन हमने लहसुन लिया है। अब इनको थोड़ा सा पानी डाल के जो है हम ब्लेंडर कर लेंगे, जैसे हमने हरा मसाला किया था। ये देखें मिक्स मैंने अच्छे से इसको कर दिया है, अच्छे से ग्राइंडर हो गया। अब हम इसको दही में ऐड करेंगे। और पानी डालेंगे। हरे मसाले के और साबुत मिर्चों के जो हमारी दही बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसके पकोड़े तैयार करेंगे। अब हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बनाने के लिए हमने 7 टेबल स्पून जो है बेसन ले लिया, 2 मैंने दरमियानी साइज़ की जो है प्याज काटी बारीक बारीक, और हमारे मसाले थोड़ा सा हमने सोडा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने जीरा लिया है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, थोड़ा सा हमने नमक लिया, अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और हमने साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा ठीक रखने हैं हमने बेसन जो है मैंने अच्छे से घोल लिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी, आप चाहें तो प्याज नहीं भी डालें कोई मसला नहीं है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑयल मैंने गरम करने पे रख दिया। ये आप देखें अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके पकौड़े बना लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल ले लिया और उसको अच्छे से गरम कर लिया। पकौड़े जो है ना आप बिल्कुल दरमियानी साइज़ के बनाएंगे, ना ज़्यादा बड़े होंगे और ना ज़्यादा छोटे। आप देखें
सारे पकौड़ों को बना के हम प्लेट में डाल देंगे। पकौड़े जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको पहले पानी के अंदर भी डाल सकते हैं और फिर जो है वो दही के अंदर डाल दें, लेकिन मैंने दही इसलिए पता रखा क्योंकि मैं इसके अंदर डालूंगी दही। दस पंद्रह मिनट बाद जो है ये बहुत नरम हो जाएंगे आराम से। अब हम इसके अंदर जो है वो ऑयल और जीरे का बघार लगाएंगे। बघार लगा करने के लिए जो है वो हमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। थ्री स्पून ऑयल डालें, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हल्का सा जब फ्राई होने लगे तो फिर हम बघार लगा देंगे। यहाँ देख सकते हैं जीरा जो है हमारा अच्छे से हो गया। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से साबुत मिर्चों के और हरे मसाले के दही बड़े, बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी घर तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।